पूर्व विधायक के नेतृत्व में किसान जन जागरण यात्रा निकाली गई। फूलपुर आजमगढ़ शुक्रवार पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में सैकड़ों मोटरसाइकिलों से किसान यात्रा के समर्थन में जन जागरण यात्रा निकाल गई। ब्यूरो रिपोर्ट। नुकसान ही नुकसान है, किसान बटाईदार हो जाएगा। मैंने सब ये किसान की जमीन सरकार जो है ऐसा नियम बना दी है कि किसान जो है उनका नौकर हो जाएगा, बड़े बड़े लोगों का, अमीरों का, और जो आपके धन्ना सेठ है, अडानी, अंबानी और इस तरह के जितने बड़े लोग हैं देश में, उनका गुलाम हो जाएगा किसान। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस खेती है, वो पूरी ज़मीनें उन्हें दे देंगे और आपको वो कहेंगे कि आपको अरहर बोना है तो अरहरें बोना, वो कहेंगे आलू बोना तो आलू बोना है, और आलू वो एक छल्ला बना देंगे, बोलेंगे कि इसके अंदर जो जाएगा वो आलू नहीं लेंगे, बाकी आलू आपका सब खराब हो जाए, चाहे जहाँ जाए। ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट खेती का बेस बना दिया। किसान सम्मान यात्रा का उद्देश्य क्या है? किसान सम्मान यात्रा का किसान सम्मान नहीं है, ये किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उनके आंदोलन में समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने निर्देश दिया कि हम देश के किसानों के साथ हैं, इस बिल के खिलाफ है, समाजवादी पार्टी भी इस बिल के खिलाफ है। ये तीनों जो कृषि कानून बना है, तीनों की किसानों की आत्महत्या करने के कगार पर ले जाएगा और देश को गर्त में ले जाएगा। देश का पूरा आर्थिक ढांचा, देश में ही नहीं दुनिया में 79% लोग आज हमारे देश में खेती करते हैं, खेती से ही हमारा ढांचा मजबूत था पिछले समय में, लेकिन इस सरकार ने तमाम कृषि के खिलाफ नीतियाँ बना करके देश को आर्थिक रूप से भी कमज़ोर किया है और हर तरह से देश को खोखला करने का काम कर रही है। ये किसानों का आंदोलन अभी तो ये और बहुत बड़ा होगा, अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप निकले थे, जान ही रहे हैं आप, तो ये अनवरत रूप से ये चलना जो अभी आप देखें धरना प्रदर्शन हम लोग करके आ रहे हैं, ये अनवरत रूप से रोज चल रहा है। लेकिन अभी तक इस आंदोलन से सरकार झुकने का नाम नहीं ले रही है। सरकार झुकने का नाम तो नहीं ले रही है, लेकिन नरम पड़ी है और निश्चित ही झुकेगी और इस बिल को वापस कराया जाएगा। अभी तो आंदोलन का ये शुरुआत है, चाहे जितना बड़ा ये आंदोलन बनेगा सरकार को हर हाल में ये बिल वापस लेना पड़ेगा, और देश का किसान हमेशा देश के साथ खड़ा रहा है और देश के साथ खड़ा है, और तमाम राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन और आम जनमानस भी उसके साथ खड़ा है। निश्चित ही सरकार को झुकना पड़ेगा और अपना बिल वापस लेना पड़ेगा, समय चाहे जो लग जाए। धन्यवाद।